क्योंकि 26 जनवरी आ रही है और 26 जनवरी बिना जलेबी के अधूरी है। तो हमारी आज की रेसिपी एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है जो कि है जलेबी। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट जलेबी। तो चलिए अब देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। जलेबी का बैटर बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले मैदा, उसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, यहाँ पे हमें ऐड करना है बेकिंग सोडा और ऑरेंज फूड कलर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही डालने के बाद हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि बैटर में हमारे लम्प्स ना बने, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बैटर जो है वो ज़्यादा पतला ना हो। तो अब हमारा बैटर रेडी है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कोई लम्प्स नहीं है और ये पतला भी नहीं है। अब हम चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं चीनी। तो हमने यहाँ पे लगभग 3 कप चीनी लिया था, तो हमें उसका आधा पानी लेना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। अब यहाँ पे हमें डालना है इलायची और यहाँ पे हम डालेंगे नींबू। तो नींबू डालने का पर्पस हमारा ये होता है कि हमारी चाशनी जब ठंडी हो जाती है तो वो जमती नहीं है। अब यहाँ पे मैं अपनी चाशनी को कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो ये एक ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चाशनी को तब तक उबालना है जब तक कि चीनी अच्छे से पानी में घुल ना जाए। तो ये हमारी चाशनी रेडी हो गई है और यहाँ पे हमें एक तार से कम की चाशनी बनानी है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब यहाँ पे कोन बनाने के लिए मैंने दही का पैकेट लिया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। जलेबी के बैटर को अब हम कोन में भरेंगे और कोन के टिप को हमें बहुत ही केयरफुली कट करना है। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए चढ़ाया था। हमारा ऑयल गरम हो चुका है और हम यहाँ पे राउंड राउंड शेप की जलेबियाँ बनानी हैं। तो हम धीरे धीरे करके राउंड राउंड शेप की जलेबियाँ बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अपने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। हमारी जलेबी एक तरफ से सिक चुकी है, तो अब हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी गर्मा गर्म जलेबियों को चाशनी में डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी चाशनी ना बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। अगर हमारी चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो हमारी जलेबियाँ हैं जो नरम पड़ जाएंगी, और अगर चाशनी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो जलेबियों के अंदर रस नहीं जा पाएगा। हमें यहाँ पे जलेबियों को आधा से एक मिनट तक चाशनी के अंदर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब हमारी गर्मा गर्म जलेबी सर्विंग के लिए रेडी है। हे गाइस, होप मेरी ये जलेबी की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।